बेटा इंग्लिश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा इंग्लिश चैनल में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी उच्चारण के विषय में दे रहे हैं, जिसमें हम आपको साइलेंट लेटर्स अनुच्चरित अक्षर जो होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको साइलेंट लेटर्स बताए कि शब्द के प्रारंभ में कोई अक्षर आए तो वो कैसे साइलेंट रहता है, बीच में कैसे साइलेंट रहता है, यह सब जानकारी अब हमने आपको दी। अब हम इसी फेज में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ही कुछ की टिप्स आपको देने जा रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी हम आपको देंगे। आशा है कि आप उसे पूरे ध्यान से सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे और उससे लाभान्वित होंगे तथा अधिक से अधिक अपने साथियों को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए उस जानकारी को लेते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्लीज। यदि की टिप्स में नंबर ए, यदि आर से पूर्व कोई स्वर वोविल हो और बाद में व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो आर साइलेंट अर्थात अनुच्चरित रहता है और इससे पूर्व में प्रयुक्त स्वर थोड़ा दीर्घ स्वर में बोला जाता है। अब पहले ही हम आपको अल्फाबेट में बता चुके हैं कि जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें 5 वोविल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और रेस्ट ऑफ द 21 आर कॉन्सोनेंट्स। बाकी बचे हुए जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। तो यदि आर से पूर्व कोई स्वर वोविल और बाद में व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो आर साइलेंट अर्थात अनुच्चरित रहता है और इससे पूर्व में प्रयुक्त स्वर थोड़ा दीर्घ स्वर में बोला जाता है। जो इससे पूर्व में वोविल आता है वो थोड़ा दीर्घ करके खींच के, जैसे FORM फॉर्म, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आर बोल रहा हूँ लेकिन नहीं बोल रहा, सिर्फ एम्फेसिस कर रहा हूँ ओ के ऊपर, ओ को थोड़ा सा खींचा मैंने। आम, ARM आम माने बाजू, रह नहीं बोला लेकिन आ को खींचा तो ऐसा लगा जैसे रह बोल रहा हूँ आम। ऐसी आर्ट, लग रहा है जैसे मैं आर बोल रहा हूँ लेकिन नहीं बोल रहा, सिर्फ दीर्घ दीर्घ कर रहा हूँ इससे पहले वाले वो इनको आप आर्ट आर्ट माने पता। ऐसी एक्सपर्ट, टैप के आगे ऐप एम्फेसिस किया एक्सपर्ट, तो आर नहीं बोला लेकिन लगता है जैसे कि बोला है, एक्सपर्ट माने विशेषक। तो रूल नंबर ए ये है कि यदि आर से पहले कोई वोविल आए बाद में कॉन्सोनेंट आए तो आर का उच्चारण नहीं होता। रूल नंबर बी, यदि शब्द में टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण चै होता है, जैसे फ्यूचर एफ यू टी यू आर ई, टी के बाद यू आर ई आया तो उच्चारण चै हुआ फ्यूचर। कल्चर, टी के बाद यू आ रही है कल्चर, कल्चर माने संस्कृति या सभ्यता तो उसमें भी ऐसे ही हुआ। नेचर, क्रिएचर, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें टी के बाद यू आ रही आता है उसमें टी का उच्चारण चय होता है। आठवें का दूसरा रूल, यदि शब्द में टी से पूर्व एस आए और बाद में आई ओ एन आए तो टी का उच्चारण तब भी चय होता है, जैसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं टी से पहले एस आया और बाद में आई ओ एन आया तो उच्चारण टी का चय हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन माने प्रश्न। थ्री, इसी का बी रूल का ही तीसरा, यदि शब्द में टी के बाद आई ए आई ओ आई आदि हूं तो टी को शय बोला जाता है, शय 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 तीन होते हैं तो ये शय होता है तांतव्य से बोलने वाला बड़ा शय। तो
तो ये उच्चारण आता है, अगर इसके बाद आइए आइयो आइयो, जैसे इनिशियल, तो टी के बाद आइए आया, तो इसको इनिटियल नहीं बोलेंगे हम, इनिशियल बोलेंगे, क्योंकि रूल के अनुसार टी के बाद आइए आया तो सह का होगा इनिशियल प्रारंभिक। ऐसी रेशो, आर टी आई और रेटियो तो नहीं बोलेंगे इसको, रेशो कहेंगे, रेशो माने अनुपात। इसी प्रकार पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी, इसमें आई ही आया तो इसको पेशेंट बोलेंगे, पेटेंट नहीं बोलेंगे, पेशेंट माने रोगी। ऐसी प्रमोशन, इसमें आई ओ आया तो प्रमोशन माने वृद्धि या उन्नति। तो ये रूल ये है कि टी के बाद आइए आइयो आई आए तो इसका उच्चारण शय होता है। नेक्स्ट रूल सी, क्यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों में क्यू के बाद हमेशा यू आता है। अब आप देख